50 और आप उनको जा रही थी आपने खुला देखा था मैं से 50 रुपए नहीं आप उनसे कह रहा ना मैं बहुत होते ना देता हूं चलो अच्छे से कॉफी मत मैं सिंगम ने दिए हम देखो इसला माता के मंदिर को जा रहे हैं और ये क्रूज जा रहे हैं 10 मिनट का रास्ता है यहां से गाइस फाइनली हम शीतला देवी मंदिर पर पहुंच चुके हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में हल्द्वानी में स्थित है और इसकी दूरी हुई हल्द्वानी से 8 किलोमीटर। तो हम सब आज आए संडे के दिन, बुक्कू भी आए, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो बोलो, कैसा लग रहा है बुक्कू? अच्छा लग रहा है। तो अभी हम मंदिर अंदर के बुक्कू को भी आशीर्वाद दिलाएंगे माता का, ताकि इसके सर पे भी बना रहे और हमारे सर पे भी। तो चलिए आगे चलते हैं, फिर आपको साथ साथ में इसका व्यू कराऊंगा। और नानी बंदर भी आते हैं, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे चलो। रोड बन रहेगी? हाँ रोड बन रहे। तो गाड़ी के लिए पैदल ही होगा, पैदल ही होगा, बढ़िया बना रहे हैं, सड़क भी बना रही है। हाँ है बंदर भी दिख रहे हैं रेलिंग में, हमें बंदर भी दिखाई दे रहा है ना बुबू, है ना बुबू, देखो सामने देखो बुबू, देखो यहाँ पर देखो, हमारे पास आ रहा क्या हुआ? बंदर को छेड़ना नहीं पड़ता ना, अरे ऐसा मत करना, छेड़ोगे तो ले जाएगा पकड़ के, उठा के ले जाएगा तुझे। हाँ ऊपर पेड़ में ले जाएगा फिर। हाँ चलो नानी, हाँ चलो चलो गाड़ी के साथ उसको मुँह कैसा बना रहा है, देख मना नहीं कर भी सकता। 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का रास्ता है ऐसे। देखिए आयुष भी चढ़ने में लगा है, आयुष थका? हाँ। थक गया? मैं थका मैंने बार बार पावर है। खुश खुश हो? 10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का मतलब 1.5 किलोमीटर। हाँ 1.5-2 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो हम यहाँ से अब जा रहे हैं, रोड में भी काम चल रहा है, आयुष दौड़ लगा, तो आयुष तो भाग गया आगे, मंदिर पकड़ के ले जाएगा ना तब। ऐसा टेंशन क्या, बॉर्डर पे खड़े हो? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हाथ जोड़ो, हनुमान बली की जय, बोलो बोलो, हनुमान जी की जय, जय हनुमान जी की, नहीं मोटा बोलो, नहीं इसमें बोलो, नहीं मोटे तो सही, गलत चीज नहीं बोलते, मैं चीज बोल रहा हूँ, कितना अच्छा है वो मोंकी, मोंकी है तो मोंकी तो रहेगा, क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए आयुष थक भी नहीं रहा है बुग्गू। हाँ क्या लग रहा, कैसा लग रहा बुग्गू? मुझे यहाँ से नीचे ऊपर बहुत ऊपर आ चुके, बाबा कितना कितना ऊपर है, हम तो थक गए हैं, दादी को देखो थक गई, माँ को भी देखो माँ थकी गई, दादा भी थकी तो नहीं है। तो ये देखिए गाइस यहाँ से व्यू कितना शानदार आ रहा है, शानदार बहुत शानदार ही बोल दो, इतना इतना कूल है ना, हम तो देख नहीं पाएंगे। ये देखिए कितना स्मार्ट बच्चा है, ये सब जानता है ये रेलिंग क्यों लग रही है करके, है ना? हेलो बोल दो अपने सब्सक्राइबर को, हेलो चाचा के सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बटन दबा दो, चैनल को, चैनल को चाचा के चैनल को बोलो, आप रोज लेना अपनी वीडियो, बोलो जय माता दी, जय माता दी, बोलो जय माता दी, आयु जय माता दी बोलो, जय माता दी जो बोल दिया था बाबा जी, अभी आएंगे लौट के, जय जय।
औरतें देंगे, वो सभी बांध लेंगे, रक्षा भी बांध लेंगे बाबा से, बाबा जी से भेद भी देंगे हैं। तो ये पीने का शुद्ध पानी भी दे रखा है आपने, सारी सुविधा दे रखी है मंदिर में। ये देखिए आई उसको, द्वार भी आ गया मंदिर अंदर से, पहुंच गया मंदिर के मेन द्वार में और अब अंदर दर्शन करेंगे हम लोग। तो देखिए मेन द्वार आ गया मंदिर का और अब यहाँ से अंदर को जाएंगे फिर आपको दिखाऊंगा। तो इधर ही रहना हमारे साथ और इस वीडियो में बने रहना। जूता खोलो आयुष, खोलना अंदर को रखो, अंदर यहाँ पर रखो, अंदर बजाओ। जय माता की, जय माता। तो ये देखिए मेन द्वार है। ला माता त्वचा के रोगों को सही करती है और जिनको जो भी बच्चों को होता है बीमारियां त्वचा संबंधी तो सही हो जाती है आके, इसलिए इनका नाम शीतला माता पड़ा है। आयुष कैसे लग रहे हैं? आयुष कैसा लग रहा? आयुष अच्छा लग रहा है। देखिए आयुष परिक्रमा में करते हुए, आयुष जरा भुवन चंद्र ब्रह्माचार्य का दे रखा है यहाँ पे, गणेश जी की भी मूर्ति यहाँ पे दे रखी है। और ये देखिए शिव जी काली का माता का भी दे रखा है यहाँ पे। ये नंदी की मूर्ति दे रखी है और शिव जी का लिंग दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है सामने। तो टीका लगाते हुए अभी पंडित जी, कितना टाइम हो गया इस मंदिर को, इसका इतिहास बताएंगे थोड़ा सा कुछ? ये 200 साल पुराना मंदिर है और जो नहीं हो जाते चिकन पॉक्स ये ठीक कर दिए वाली माता। अच्छा, जिनको चिकन पॉक्स हो गए तो ये आएंगे और ठीक हो जाएंगे, इनकी आस्था है मतलब। दूर दूर से आते हैं तो यार काफी दूर दूर से लोग आते होंगे। वो काली वाली चीज भैरव देवता का ना मंदिर कौन सी थी, वहां तो नहीं होते देखे? आयुष कैसा लग रहा है? काफी शांत जगह पे मंदिर ना, अच्छी जगह पे। आयुष इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब और लाइक, सब्सक्राइब करना मत। और दूसरे बच्चों को कुछ कहना चाहोगे अपने साथ वाले बच्चा का जो इस ब्लॉग को देख रहे? तो गजब पे जाती। तो देखो आयुष हीरो बन के घूम रहा है चश्मा पहन के। आयुष बैठ जा सामने, बैठ जा उधर, उधर बैठ जा, वहाँ बैठ जा, जाके सामने बैठ जा, इधर बैठ जा सामने।
ये देखिए हवन कुंड गाइस, ये देखिए हवन कुंड का हवन होता है। ये देखिए शीतला देवी मंदिर के बारे में कुछ लिखा है, पढ़ लीजिएगा इसको। ये देखिए ये भी लिखा है, पकड़ ले गोदी में, पकड़ ले आयुष, पकड़ ले। आयुष को तो यहाँ भी बिल्ली मिल गई है, कर प्यार कर उसको। ये अच्छी बिल्ली है ना आपकी, भाग भी नहीं रही रे, घर की भाग जाती है ना। यहाँ की भागती भी नहीं है ना, देखिए आयुष कितना खुश है इधर। बिल्ली को दिखा, देखो अभी भी तो बताओ, ये बिल्ली बहुत अच्छी है। बिल्ली को देखो कितनी प्यारी है, ये कुछ भी कर दी, ये बहुत आराम आराम कुछ भी नहीं जा, कहीं भी नहीं जा रही। देखो प्यारी है, बिल्ली को देखो कितनी प्यारी है। अभी नहीं काटी, शेर नहीं है, ये कहीं नहीं दी। अपनी बिल्ली, हमारी बिल्ली को देखो कितनी आराम से चल रही है, बिल्ली को तो हमने कितनी देखा। बिल्ली आयुष को तो बिल्ली भी मिल गई है, ये ज़्यादा अच्छा बिल्ली है ना। इस बिल्ली को देखो चल भी रही है, देखो 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 चल भी रही है ना, इसको कुछ भी असर नहीं होता। ये बिल्ली कितनी प्यारी है, देखो अपना स्माइल दिखाओ। माँ पापा चाचा इसकी फोटो खींचो, खींचो चाचा उसकी फोटो खींच दी, दिखाओ कैसी आई। माता को कैसे लाए, बाबा जी को सब पहले तो कहीं और जगह ले जाते ना माता को ना, यहाँ पहाड़ी गांव से मैं भी यही रहता हूँ ना। 200 साल पहले मतलब ये मूर्ति बनारस से आई, तो ये भीमताल जा रही थी, ये पहाड़ी गांव में, तो पहाड़ी गांव में जा रही थी ये, तो यहाँ पर मूर्ति रखी हो पहनी, मतलब ये गाड़ी मोटरों की 1920 में थी, तो यहाँ पर मूर्ति रखी। जिस दिन उठाने की सोची उन्होंने, मूर्ति से आवाज़ आई, तो कहते हैं कि मूर्ति से आवाज़ आएगी, मेरा यहीं पर स्थापन किया जाए, तो यहीं पर मेरा घर, यहाँ शांत की जगह है, यहाँ पर मैं यहीं मेरा घर, हाँ यहीं पर मेरा स्थापन किया जाए। ये वाली कहाँ से ले जा रहे थे, मतलब ये भीमताल जा रही थी, पहाड़ी गाँव है ना कोई, भीमताल में है, पहाड़ी गाँव है, वहाँ जा रही है, जा रही थी, तो फिर दूसरे दिन आवाज़ आई कहते हैं मोटर, सुबह दिन उस दिन गाड़ी मोटर की उतनी सुविधा नहीं ठहरी, मतलब यहीं से जाते थे पहले, वो रोड नहीं थी मेन रोड, हाँ वो रोड नहीं थी, 200 साल बहुत पुरानी बात है जी, तो यहाँ विश्राम किया होगा, तो यहाँ मूर्ति रखी, तो दूसरे दिन मतलब मूर्ति से आवाज़ आएगी, मेरा यही मुझे भी 1.5 साल हो गया यहाँ, बहुत शक्ति यहाँ पर, तो आप बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है, जो कहता है आदमी वो होता है, नहीं तो आदमी पागल, फिर तमिलनाडु दिल्ली बम्बई मद्रास कहाँ कहाँ से आते हैं, अच्छा बहुत दूर दूर से आते हैं, पर्वों में हमेशा आप गर्मी में देखते हैं, थोड़ा वो चल रहा है ना, कम आ रहे हैं लोग, नहीं तो बहुत ही भीड़ है यहाँ, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, अच्छे से दर्शन होते हैं, तब तो मतलब लोग आते हैं, जो मनो जो आदमी जो कहता है उनकी मान्यता है, काफी मान्यता है इस मंदिर की, बहुत मान्यता, बहुत प्राचीन मंदिर ठहराई है माता रानी की। तो गाइस आपने बहुत इंजॉय किया होगा माता शीतला देवी मंदिर, जो कि हल्द्वानी में है, हल्द्वानी जिले में आता है, और यहाँ आने से सारी मनोकामना पूरी होती है, यहाँ आके काफी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई हम सबको, आयुष को भी है ना, आयुष हुआ ना, आप लोग भी एक बार यहाँ आइएगा, और ये इच्छा पूर्ति मंदिर है, सारी कामनाएं पूरी होती है, और काफी अच्छा पुराना मंदिर है। तो चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को क्या करना, आयुष सब्सक्राइब।
बाल और ब्लैंकेट दबाए हाँ। गलना आपको सहर करना तो सहर गलना। और ऐसा कहा जाता है कि गाइस बच्चे की बात को मना नहीं करता, इसलिए आपको करना ही पड़ेगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।